महाराष्ट्र से दूसरे राज्य के नेता को राज्यसभा टिकट देने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्य के उम्मीदवार को टिकट देने से संबंधित राज्य में नाराजगी होती है। कांग्रेस को महाराष्ट्र से मुकुल वासनिक एवं इमरान प्रताप गढ़ी को उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार बनाना चाहिए था। वे इस संदर्भ में पार्टी आलाकमान से चर्चा करेंगे। चौहान यहाँ पत्र परिषद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वासनिक को उम्मीदवारी मिलने पर उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा जाने की सलाह दी थी, इससे उनका नागपुर और विदर्भ से संपर्क कायम रहता। इसी प्रकार उनका मत है कि इमरान प्रताप गढ़ी को उत्तर प्रदेश से नामांकन करना चाहिए। बहरहाल यह आलाकमान का फैसला है। आलाकमान ने सोच समझकर टिकट दिया होगा। चौहान ने साथ ही यह कहा कि ऐसा क्यों किया जाता है यह समझ नहीं आता। चौहान ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को अनदेखी की जा रही है। फिलहाल कांग्रेस तीसरे क्रमांक का दल है, नेताओं को संघर्ष करना चाहिए। कांग्रेस आघाड़ी से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन संवाद एवं समन्वय बढ़ना चाहिए। मंत्रालय किसी के पास हो, निधि का समान आवंटन होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इससे नाराजगी बढ़ रही है, इसे समाप्त करना होगा। चौहान ने कहा कि गत अनेक वर्ष से संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए, अब चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई है। कांग्रेस को इसी प्रक्रिया से अध्यक्ष मिलना जरूरी है। ईडी असेल, सीबीआई असेल, इनकम टैक्स असेल किंवा इतर कॉर्पोरेट सेक्टरच्या सेबी सारख्या एजन्सीज असतील, त्यांचा फक्त दहशत निर्माण करायला, एक भीती निर्माण करायला, नाव बदनाम करण्याकरता वापर होतो आहे। जर एखाद्या विरुद्ध तुमच्याकडे काही ठोस पुरावा असेल तर तुम्ही ते शेवटपर्यंत ते प्रकरण नेलं पाहिजे, चार्जशीट फाईल केली पाहिजे, न्यायालयात प्रकरण दाखल केलं पाहिजे आणि मग त्या आरोपीला, तथाकथित आरोपीला आपला स्वतःचं बचाव करण्याची संधी दिली पाहिजे आणि मग न्यायालय जी शिक्षा देईल ती आनंदानं सर्व मान्य करतील। पण तसं होताना दिसत नाही, फक्त प्रत्येकाच्या घरात घोडा अडकवायचं आणि मग त्याला नाव बदनाम करायचं, प्रॉपर्टी अटॅच करायची वगैरे वगैरे चाललेलं आहे। हे वेगळ्या प्रकारचंच राजकारण चाललेलं आहे आणि आमचं स्पष्ट मत आहे की आपण हा देश हुकूमशाहीच्या दिशेनं चाललेला आहे, हे काही नवीन नाही आहे। रशियासारख्या देशामध्ये असंच लोकशाही पद्धतीनं सोव्हिएट युनियन नष्ट झाल्यानंतर जी स्वतंत्र राष्ट्र बनली त्यामध्ये रशियासुद्धा बनलं, रशिया देखील सुरुवातीला त्याची घटना तिथे लोकशाहीप्रमाणे ते काम करू लागले। आज रशियाची परिस्थिती काय आहे तर तिथे एक भयंकर हिटलरसारखा एक हुकूमशाह तिथं राज्य करतो आणि तो सांगतो की मी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलो आहे। चीनमध्ये तशाच प्रकारे ते म्हणतात आमची लोकशाहीच आहे आणि अशाच प्रकारची गायडेड डेमोक्रेसी म्हणा किंवा निवडून आलेली हुकूमशाहीकडं आपण अग्रेसर होताना मला दिसतो आहे। आणि या परिस्थितीमध्ये या देशातली लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर आज विद्यमान सरकारला, त्यांच्याकडे जरी खूप मोठं बहुमत असलं तरी येणाऱ्या राजकीय संघर्षामध्ये, येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकामध्ये आणि नंतर होणाऱ्या मे 2024 लोकसभा निवडणुकीमध्ये एक निर्णायक लढाई होणार असं मी मानतो। निर्वाचित व्यक्ति का अपना अलग स्थान होता है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र मूलक मौजूद थे। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की ताकत किसी एक दल के पास नहीं है। चूंकि कांग्रेस का देश भर में अस्तित्व है, इसलिए कांग्रेस को पहल कर समविचारी दलों को साथ लेकर गठबंधन करना चाहिए। वैसे भी कांग्रेस के बिना गठबंधन नहीं हो सकता। राकंपा अध्यक्ष शरद पवार ने भी यह स्वीकार किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपुर।